हाय गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लॉक्स में आपका स्वागत है। तो हाय गाइज, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे फोटो के बैकग्राउंड को किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं सिर्फ वन क्लिक में। हाँ गाइज, एक फोटो तीन फोटो में बतलाऊंगा आपको। एक फोटो तो बतलाऊंगा आपको कि आपके फोटो के पीछे जो दीवार है, अगर वो प्लेन दीवार हो तो उसको भी आप वन क्लिक में रिमूव कर सकते हो बड़े आसानी से। और एक वो बतलाऊंगा कि आपके अगर हाथ में कोई प्रोडक्ट है, आप किसका रिमूव करना चाहते हो, मोबाइल वगैरह कोई भी, उसको भी आप अगर रिमूव करेंगे तो आप रह जाओगे फ़ोटो में, आपका प्रोडक्ट रह जाएगा लेकिन बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और एक फ़ोटो वो बताऊंगा कि अगर आपने पब्लिक प्लेस में या गार्डन वगैरह में या कहाँ पर भी वो उसका बैकग्राउंड कितना भी कुछ भी होगा, वो भी आपका सिर्फ वन क्लिक में रिमूव हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक ज़रूर ठोक देना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, जो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। उससे क्या हुआ कि ऐसी हमारी हेल्पफुल ट्रिक और टिप्स आपको वीडियो मिलती रहेगी बिना किसी चार्ज के। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और सीख लेते हैं। हाँ, तो गाइस मैं आपको जल्दी से फटाफट से बताता हूँ कि आपको किस तरह अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना है वन क्लिक के अंदर। और मैं आपको तीन फोटो ऐसे बताऊंगा, तीनों फोटो अलग अलग कैटेगरी के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो गाइस मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ गैलरी के अंदर और बताता हूँ आपको वो तीनों फोटो किस कैटेगरी के, किस तरह से बिल्कुल रिमूव करना है उसका बैकग्राउंड। तो फर्स्ट फोटो आप देख पा रहे होंगे, इन फोटो के जो बैकग्राउंड में जो वाले वो बिल्कुल प्लेन है। और दूसरे फोटो के अंदर मेरे हाथ में एक लैपटॉप है, जो हम इसको रिमूव करेंगे इसका बैकग्राउंड, तो लैपटॉप भी रहना चाहिए, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं आना चाहिए। और तीसरा जो फोटो है उसके अंदर दो बंदे भी दिख रहे हैं पीछे, और शॉप के अंदर जो भी एड वगैरह भी दिख रहे हैं, टीवी भी दिख रही है, तो इनको किस तरह हम रिमूव करेंगे बड़े आसानी। तो इसके लिए जाना होगा हमें क्रोम ब्राउज़र में। तो हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और गूगल में चलते हैं। गूगल के सर्च बार में हमें सर्च करना होगा रिमो बीजी, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम रिमो बीजी को ओपन कर लेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो जूम करने के बाद आपको ऊपर नज़र आएगा अपलोड इमेज का ऑप्शन, आप देख सकते हो ऊपर अपलोड इमेज पर आपको क्लिक करना होगा सिंपली। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये गैलरी में भेज देगा। गैलरी में से आपको फोटो चूज़ कर लेना जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम सिंपली ये ले लेते हैं पहले प्लेन दीवार वाला और उसको देख लेते हैं, फिर बाद में उन दो फोटो को देख लेंगे। तो यहाँ पर वन क्लिक करा है मैंने, वन क्लिक करते ही अपलोडिंग हो रहा है और अपलोडिंग होते ही कुछ सेकंड में आपको देखने को मिल जाएगा इसका कमाल। और आप देख सकते हैं इसको हमने सिर्फ अपलोड करा, अपलोड करते ही कुछ सेकंड में ही हमारा फ़ोटो का जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया बड़े आसानी से। तो अब चलते हैं और देख लेते हैं कि जिसमें हमारा प्रोडक्ट हमारा हाथ में हो या जैसे लैपटॉप या मोबाइल का हमारा रिव्यू करना हो और वो मोबाइल की उसका रिमूव करना हो तो उसका भी होता है आसानी से बैकग्राउंड रिमूव या नहीं होता है। जैसे कि हमारा एक फ़ोटो है, मैं आपको बता दूं, अपलोड पे जाएंगे हम और हमारा फ़ोटो बड़ा कर लेंगे। देख सकते हैं आप हमारे फ़ोटो में एक लैपटॉप है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करें तो हमारा जो लैपटॉप है वो रिमूव नहीं होना चाहिए, तो उसको ये रिमूव आसानी से करता है या नहीं करता है तो वो भी आप देख सकते हैं। हमने अपलोडिंग पे क्लिक कर दिया है, ये अपलोड हो रहा है और रिमूवल होना स्टार्ट हो चुका है और ये रिमूव होकर हमारा तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप बड़े क्लियरिटी के हिसाब से हमारा रिमूव हुआ है और हमारा लैपटॉप पर भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो मैकबुक प्रो है हमारे हाथ में उस पर भी कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल क्लियर हमारे जो हमारे हाथ में और जो हमारा टच रहेगा वो भी हमारे साथ में रहेगा, बाकी जितना भी बैकग्राउंड है वो सब रिमूव हो जाता है बड़े आसानी से। अब देख लेते हैं वो तीसरा फोटो जिसके बैकग्राउंड में बहुत सारा कुछ है तो उसमें कोई मिस्टेक आती है क्या, वो भी बड़े आसानी से रिमूव हो जाता है। तो हम उसको भी ओपन कर लें, आप देख सकते दो बंदे इसमें हैं, टीवी है पीछे, बैकग्राउंड बहुत सारा कुछ है, तो हमारा यहाँ पर आसानी से रिमूव होता है या नहीं होता है इस पर हमने क्लिक कर दिया, ये अपलोडिंग हो रहा और देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल रिमूव हो चुका है इसका बैकग्राउंड पूरा, सिर्फ एक चेयर है जिस पर मैंने हैंड रख रखा है, तो वो जो हमारे नज़दीक रहेगी चीज़ हमारा टच रहेगी वो रहेगी इसमें, उसको भी हटाना है आपको। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए क्या करना होगा। सिंपली पहले हम तो डाउनलोड कर लेंगे इसको अपने गैलरी के अंदर, तो डाउनलोड का ऑप्शन है आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, और फिर हम बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद एक एप्लीकेशन है जिसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, रेजर के नाम से एप्लीकेशन है। हम यहाँ पर लोड फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद उस फोटो को ले लेंगे जो फोटो हमने रिमूव करा जो हमारा चेयर वाला है, और यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे। सिंपली डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ दो सेटिंग मिलती है आपको, मैनुअली भी मिलती है और ऑटो भी मिलती है, दोनों में आप बता दूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैनुअली से आप इस तरह से कर सकते हैं रिमूव, तो आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं इसको रिमूव, आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। और ऑटो से कर क्या करना है, सिंपली ऑटो पे क्लिक करना है और ये सर्कल जो दिख रहा है आपको ये उस एरिया में ले जाके छोड़ देना है जिस चीज़ जो चीज़ आपको रिमूव करना है, जैसे ब्लैक कलर है यहाँ पर, तो ब्लैक कलर पे मैंने छोड़ दिया, तो ये ज़्यादा है तो ये इसको कम कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरी जो बाल है दाढ़ी के वो भी उड़ चुके हैं यहाँ पर, इसलिए कम कर देंगे और कम कर देंगे मैं इसको थोड़ा, और उसको
यहाँ पे फिर रखेंगे तो अब ये देख सकते हैं आसानी से। थोड़ा वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और जूम करके बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. थोड़ा बहुत अगर रह जाए यहाँ पर, जैसे फिंगर के यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक है डॉट्स से बने हुए, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो भी आगे आपको बताता हूँ किस तरह से उड़ेंगे। फिर आपको ऊपर डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद उसको भी आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जो बारीक बारीक रह जाती है उसको। यहाँ देख रही है आपको 1 2 3 4 5, इस पर सिलेक्ट करना है आपको। 1 से 2 पे करोगे तो बिल्कुल ब्लैक, 3 पे करोगे तो और इसकी बिल्कुल क्लियरिटी आती रहेगी। तो हम 2 पे कर देते हैं, 2 पे काफ़ी अच्छा है कर रहा है काम ये, 1 पे ही। और फिनिश पे क्लिक कर देना है, जैसे फिनिश पे आप क्लिक करते हो तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। तो मैं आपको ले जाता हूँ और बता देता हूँ कि किस तरह हमारी ये पेंजी तैयार हुई, देख सकते हो हमारी पेंजी यहाँ पे रेडी हो चुकी है।